यदि राजा महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ही काल में जन्मे होते तो हमें 700 साल की गुलामी नहीं सहनी पड़ती। इन दोनों महापुरुषों को आने वाले अनेक सदियां याद रखेंगी। ऐसे विचार भिवंडी लोकसभा सीट के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने व्यक्त किया है। होली उत्सव के मौके पर कल्याण के सेठ हीराचंद मुता कॉलेज में श्री रामदेव भजन मंडल की ओर से राजस्थानी होली उत्सव 2024 का शानदार आयोजन किया गया था, जिसमें कल्याण डोंबिवली के 6,000 से भी अधिक जैन मारवाड़ी स्त्री पुरुषों ने भाग लेकर होली उत्सव को सफल बनाया। ढोल और झांझ की धुनों पर महिलाओं ने लुम्बर डांस पेश किया तो पुरुषों ने भी गेर डांस पेश किया। देखते हैं इस अनोखे होली उत्सव की झलक। उल्लेखनीय बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने भी हाथों में डांडिया लेकर राजस्थानी लोगों के साथ गेर डांस किया। उनके साथ प्रकाश मुथा ने भी अपने कला के जौहर दिखाए। इस अवसर पर मुथा कॉलेज, जैन समाज, राजस्थान समाज, कल्याण के व्यापारी मंडल की ओर से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे, भूतपूर्व महापौर रमेश जाधव, अन्ना रोकड़े, बाला हरदास, मनीष मुथा, प्रकाश मुथा, अविनाश मुथा, जयवंत भोईर, डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल, सुशील पालीवाल, सुमित पालीवाल, अन्वेषा मुथा, सपना गादिया मैडम, अमृतलाल जैन, कांसी जी राजपुरोहित, भानु देव, नारायण चौधरी, नंदू खंडेलवाल, नारायण देवासी, ऋषि राज रावण, तारेश माली, सुरेश प्रजापति, डॉक्टर राजू राम, शत्रुघ्न भोईर, विलास गायकर इत्यादि मान्यवर व्यासपीठ पर विराजमान थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने प्रकाश मुथा की तारीफ में आगे कहा कि पहली बार कल्याण में प्रकाश मुथा ने इतने लोगों को इकट्ठा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। पाटिल ने लोगों को अपने मतों का दान करने की अपील की है। इसके उत्तर में प्रकाश मुथा ने कहा कि हम व्यापारी दुकानदार बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए मत के अधिकार का पालन करते हैं, बाकी लोग तो वैकेंड में चले जाते हैं। सभी भाई बहनों ने होली का राम राम। महाराष्ट्र की भूमिका मराठी और मेवाड़ की भूमिका मारवाड़ी, इन दोनों को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रकाश मुथा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे आने का मौका आपने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज अगर एक ही काल में जन्मे होते तो हमको ये 700 साल की जो गुलामी है वो सहनी नहीं पड़ती। दोनों ऐसे महापुरुष थे कि आने वाली कितनी सदियां रहेगी
ये दोनों नामों को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज किसे कहना चाहिए, जो 65 किलो की तलवार अपने साथ लेके चलता है उसका नाम ईसा जी, और 2000 सैनिकों के साथ अकेला लड़ता है उसका नाम बाजी, अपना हाथ टूटा हुआ है फिर भी अपने हाथ को अपने सर की पगड़ी बांध के जो विरोधी सैन्य से मुकाबला चालू रखता है उसका नाम तानाजी, 8 घंटे में दिल्ली से अपने घोड़ों पे पुनः पहुंचता है उसका नाम संताजी, और शेर को बीच में ही चिरने का काम जो करता है उसका नाम छत्रपति संभाजी, और इन सभी को साथ में लेके जो स्वराज्य का तोरण बांधता है और हमारी हिंदू अस्मिता जागृत रखने का काम जो करता है उसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और आप समय निकाल के यहाँ आए, इसलिए श्री रामदेव भक्त मंडल कल्याण और मुथा कॉलेज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया उस अधिकार का जागृति से हम वापर करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई वापर करते हैं तो हम ही लोग करते हैं, बाकी लोग तो वीकेंड में चले जाते हैं। सर, हम व्यापारी लोग, जो हमको मालूम है यहाँ अधिकांश लोग छोटा मोटा व्यापार करते और नौकरी करते हैं, और बाबा साहब की अगर याद कोई करता है तो छोटा मोटा व्यापारी और ये नौकरी करने वाला वर्ग, क्योंकि बाबा साहब उनसे जुड़े थे। दूसरा सर, जिस समाज में आपने जन्म लिया है सर, अगर उसका इतिहास देखें तो वो समाज भी हमारे राजस्थान से आया है, आगरी समाज का इतिहास हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। सर, आप इतिहास देख लीजिएगा, और राजा राम साळवी साहब के पास पूरा इतिहास पड़ा है, आप देख लीजिएगा। सर, हमारे यहाँ मोकल सर करके एक गांव है और उधर से आने वाले सब मोकल बने, तो सर आपका भी इतिहास राजस्थान से जुड़ा हुआ है। अगर हम आपका DNA चेक करेंगे तो हम राजस्थानियों से मिलेगा, और राजस्थान और महाराष्ट्र की मिट्टी ऐसी मिल गई है कि एक तरफ महाराणा प्रताप होते हैं तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी होते हैं। अगर ये दोनों समकालीन होते तो शायद जो इतिहास हमने देखा वो इतिहास हमको देखना नहीं पड़ता। सर, हमारे बीच ये हमारा नारायण देवासी एक अच्छा कार्यकर्ता है, और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके और हमारे जैन समाज के और इसके साथ साथ 20 समाज और जुड़े हुए, इन लोगों ने ये कार्यक्रम सफल करने के लिए बहुत ही मेहनत की। मैं चाहता हूँ कि सर उस देवासी का आपके हाथों से स्वागत किया जाए।